दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर प्लेट के बारे में क्योंकि हर हर किसी को बेसिक जानकारी नहीं पता होती है मशीन लगाने को तो लगा लेते हैं लेकिन वो चीज़ पता नहीं हो पा होता है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है बहुत लोगों को मेरे पास फ़ोन आता है कि सर ये हमारा जो है यहाँ से फाड़ रहा है यहाँ से फाड़ रहा है यहाँ से फाड़ रहा है तो ये अक्सर होता क्या है कि ये जो कमी है ये खुद मशीन में ही होता है लेकिन किसी को पता नहीं होता है और परेशान होते हैं और अगर फिर किसी मैकेनिक को बुलाते हो ठीक करने के लिए तो हज़ार दो हज़ार अपना चार्ज बताता है कि इतना लेंगे उतना लेंगे और होता कुछ है नहीं है पाँच दो चार मिनट का काम है पाँच दस मिनट का वो आते हैं करके तीन पाँच कर चले जाते हैं हज़ार दो हज़ार ले जाते हैं वो और उसमें नुकसान किसका होता है जो मशीन लगा रखे हैं क्योंकि ये बेसिक जानकारी नहीं होने के कारण लोग परेशान होते हैं लेकिन कोई ये चीज़ बताता नहीं है कि आप ऐसे करो या वैसे करो तो ठीक हो जाएगा डायरेक्टली बोल देते हैं मशीन वाले से बात करो वो आके ठीक कर जाएगा तो हर कोई का परेशानी यही है मेरे पास कई बार फ़ोन आते हैं कई जगह से फ़ोन आया कई कितनी जगह से कॉल आते हैं कि भैया ये हमारा यहाँ से फाड़ रहा है यहाँ से फाड़ रहा है ये बताइए वो बताइए तो हम बता तो देते ही है लेकिन अब कुछ ज़्यादा व्यस्त हम रहने लगे इसलिए हम सोचते हैं कि अब कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि अगर को लोग हमें कॉल ना भी करें या अगर करते भी है तो हमसे बात नहीं हो पाता है तो वो वीडियो देख के अपने आप को ठीक कर लें अपने मशीन को ठीक कर लें और अपना काम वो सही से कर सकें तो आइए हम बताते हैं कि ये आखिर होता क्यों है अगर ये यहाँ से फाड़ रहा है तो आइए हम आपको मशीन के पास ले चलते हैं दिखाते हैं कि आखिर ये ठीक कैसे करें इसको होता क्यों है आइए चलिए देखिए दोस्तों आ गए हम मशीन के पास अगर यदि आपका कटोरी जो हमने बताया कि अगर यदि ये यहाँ से अगर फाड़ रहा है ये यहाँ से फाड़ रहा है तो इसको ठीक कैसे करें इसको ठीक करने का इजी है सिंपल है कुछ नहीं बस थोड़ा सा क्या करना होगा कि अगर यदि आपका जो बेलन है तो ये वाला जो नट है ये वाला तो या तो इसको हल्का सा लूज कर दीजिए क्योंकि ये बेलन को टाइट होने की वजह से ये इधर नहीं आ पाता पेपर सही से तो ये खींचता है तो ये डाई जो है यहाँ से अपने प्रेशर दबाता है तो ये फट जाता है तो इसलिए इसको ये इतना देखिए कि जब मशीन चलता है तो ये यहाँ पे थोड़ा सा पेपर नॉर्मल रहना चाहिए खिंचाव नहीं होना चाहिए तो ये जो नट हम बताए आपको कि ये ये वाला नट और इसके इस साइड वाला नट दोनों को हल्का हल्का लूज कर दीजिए उसके बाद फिर चला के देखिए कुछ ठीक हो जाएगा फिर फटेगा नहीं और अगर यहाँ से भी ठीक नहीं होता है तो एक जगह और है जिससे कि दिक्कत होती है लोगों को तो ये वाला जो नट है तो ये जैसे कि इस तरफ में है तो हमारा तो इस तरफ में है तो हम तो अगर फटता है तो नीचे की तरफ करते हैं थोड़ा सा ये यह यहाँ से खोल दिए इसको हल्का नीचे कर दिए और उसके बाद फिर इसको यहाँ से टाइट कर दिए तो वो ठीक हो जाता है लेकिन आप अपने मशीन के हिसाब से अपने सेटिंग के हिसाब से आप कीजिएगा देखिए इसको खोल के कि अगर यदि ये नीचे करने से नहीं ठीक होता है और फाड़ता है तो फिर इसको खोल के फिर इसको ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा अगर इसको आप ऊपर करते हैं उसके बाद फिर देखिए अगर ठीक है तो फिर चलाइए कोई दिक्कत नहीं बस यही एक दिक्कत होती है परेशानी होती है मशीन में जिसकी वजह से लोग मैकेनिक को बुलाते हैं और फिर जब मैकेनिक आता है तो अपना चार्ज बताता है कि इतना लेंगे उतना लेंगे तो ये सब बेसिक जानकारी आप खुद भी कर सकते हैं इसको ठीक इसमें कोई ज़्यादा बड़ा कलाकारी नहीं है तो ऐसे वीडियो के लिए आप और भी अगर ये पेपर प्लेट से किसी रिलेटेड अगर वीडियो आप चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं हम आपको जरूर हेल्प करेंगे धन्यवाद